हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। और इस वीडियो में मैं तो बताने वाला हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी जिसने मेरी परसेंटाइल बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। मेरी सितंबर 2020 में जब मैंने अपना मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरी 91 परसेंटाइल थी, और जब मैंने 2021 में ड्रॉप लेके अपना फेब में अटेम्प्ट दिया उसमें 4-5 महीने का गैप था और मेरी 98.8 परसेंटाइल थी। मतलब 4-5 महीने में मैंने मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर लिया था। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, बट ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है इसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया वो इंप्रूवमेंट लाने में। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि यार वो स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे उसे यूज़ करना है और कैसे तुम उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स में यूज़ की थी, फिजिक्स में मैंने इतना यूज़ नहीं किया था, बट केमिस्ट्री और मैथ्स में यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा था अपने आप में। तो अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैंने मैथ्स में कैसे मेंटेन की थी। एक अलग से मैंने कॉपी बनाई थी उसके लिए, मैंने केमिस्ट्री में भी बनाई थी बट केमिस्ट्री वाली कॉपी अभी मिली रही है मुझे, बस मैथ्स की कॉपी मिली तो मैंने सोचा उसी को शेयर कर देते हैं। तो मैं भी उसकी तुम्हें पीडीएफ दिखा दूँ, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि आज 29 जनवरी है और आज है अनअकैडमी प्रोडजी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ये अकेले जीए स्टूडेंट्स के लिए। तुम अगर सिंपल क्लास 11 ट्वेल्थ की भी तैयारी कर रहे हो तो तुम भी दे सकते हो, और इसमें यार काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। अगर तुम टॉप रैंक्स में आते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसमें से जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है वो ये है कि तुम्हें 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। मतलब तुम्हारे कॉलेज एक्सपेंसेस, हायर एजुकेशन वगैरह सब अनअकैडमी ही तुम्हारा हेल्प करेगा उसे पे करने में। बाकी ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है तो उसे काफ़ी लोग देते हैं, तो अगर तुम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें अपना लेवल पता चलेगा कि तुम इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। बाकी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे अवार्ड्स हैं। अगर तुम रैंक 1 लाते हो तो तुम्हें मैकबुक एयर, रैंक 2 से 3 को एप्पल आईफोन, बाकी सब रिवॉर्ड्स तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और अनअकैडमी की तरफ से उनके कोर्सेज पर स्कॉलरशिप अप टू 100% है, वो भी तुम देख सकते हो कि टॉप 10 वालों को 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी इस संडे को होने वाला है अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट जो कि 1 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें तुम्हें 21 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। बाकी इसमें अगर तुम अटेम्प्ट करते हो इस टेस्ट को तो तुम मैकबुक एयर, आईफोन, स्मार्ट वॉचेस जैसे अमेजिंग प्राइसेस जीत सकते हो। बाकी अगर तुम टॉप 3 में आते हो तो तुम्हें मेडल्स मिलेंगे और 25 टॉप रैंकर्स को मिलेंगे सर्टिफिकेट्स। बाकी अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज आइकॉन है कोर्सेज पे, तो स्कॉलरशिप वगैरह है वो तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। और जितने भी मैंने टेस्ट वगैरह बताया अनअकैडमी प्रोडजी वगैरह सबके लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। और बाकी तुम अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो तुम मेरा कोड PRGO10 यूज़ कर सकते हो, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं कि वो स्ट्रेटजी आखिर थी क्या। मैं तुम्हें पीडीएफ दिखाता हूँ अपने मैथ्स की। तो ये है वो कॉपी जिसमें मैंने अपने अलग से नोट्स बनाए थे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थे। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज़, ये सब मैंने नोट्स तब बनाए जब मैंने अपना फेब और मार्च अटेम्प्ट दे लिया था, जब मैंने फिजिक्स वाला सर का जे अल्टीमेट क्रैश कोर्स लिया था और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चलती थी, तो तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। बाकी इससे पहले फेब अटेम्प्ट से पहले भी मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए अलग से नोट्स बना रखे थे। वो वाली कॉपी मेरे को मिल नहीं रही है, अगर मिलती तो मैं उसकी भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बाकी अभी मैं ये जो मैंने क्रैश कोर्स से बनाए थे नोट्स वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैं कराया था प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसमें से यार बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये नहीं आती थी कैसे, बट होता है यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे आती हैं तुम लोगों को नहीं आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इसमें लिखी हुई जो तुम्हें लगता होगा कि बच्चों वाली है। अब ऐसे एक तरीके के क्वेश्चन होते थे कि जिसमें अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकालना होता था, मैं अगर अल्फ़ा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं तो मैं ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाता था यार कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करूँ। ऐसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया था उसमें तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, तो उससे हो जाता है, बट ऐसे क्वेश्चन में मैं ज़्यादातर कन्फ्यूज़ हो जाता था। तो सर ने काफ़ी अच्छी अप्रोच बताई कि इनको ऐसे ब्रेक कर लिया करो 2 पार्ट्स में, तो ऐसे तुम कितनी भी मतलब अल्फ़ा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 भी दिया है ना, तो पहले तुम उसे अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू अल्फ़ा की पावर 5 इंटू बीटा ऐसे तोड़ लो, फिर तुमने अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, फिर उसे उसमें पुट कर दो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा मेथड लगा था, तो ये मैंने इसमें लिख लिया। एक और कॉन्सेप्ट था ऐसे कि अल्फ़ा बीटा किसी इक्वेशन के रूट दिए हैं तो बताओ इस इक्वेशन ये कितने किसके इक्वल होगी, तो ये क्वेश्चंस में भी मुझे दिक्कत आती थी। तो मैंने वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे क्वेश्चन उतारे फिर उसके आंसर, मैंने बस वो कॉन्सेप्ट की तरह लिख लिया। ऐसे एक न्यूटन फॉर्मूला होता है, तो बहुत सारे जगहों पे ये नहीं पढ़ाया जाता, मेरे कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि इसे तुम ड्राइव अपने आप भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हें कुछ चीज़ें यार याद है ना तो अच्छा है, मीन्स में तुम्हारा टाइम बचेगा और मीन्स में तुम्हारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वही है यार कि ऐसी मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अब ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ था तो मैं ना तुम एक चीज़ देखोगे, जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन अगर मैं किसी और अप्रोच से करूँगा तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। जब तुम ऐसे किसी बुक का क्वेश्चन कर रहे हो, तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और जब तुम उसका सॉल्यूशन देखते हो ना तो तुम्हें लगता है कि यार इन्होंने सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा किया है, तो तब तो तुम वो देख लेते हो, बट तुम्हें उस टाइम कुछ टाइम बाद तुम उसे भूल जाते हो। तो इससे अच्छा वो जो
उन्होंने नया तरीका लिया है, उसे ऐसे ही तुम अलग से लिख लोगे ना तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बाद में जब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम्हारे मन में रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये भी तरीका है। ऐसे ही ये था एक चीज़ की, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी गई, कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी आता है क्वेश्चन, तो बताओ जेड मैक्स कितना होगा, जेड मिन कितना होगा। हमें ऐसे कुछ फॉर्मूला नहीं करवाया था सर ने, सर ने कुछ तरीका बताया था। बट अगर ये तुम्हें तरीका याद है, मतलब फॉर्मूला याद है तुम्हें, ये तरीका याद है, फिर तो तुम पूरा कर ही सकते हो अच्छे से। बट मेंस में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ये भी चीज़ इसमें उतार ली थी। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें की हैं वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बाइनोमियल थ्योरम है ये, तो बाइनोमियल थ्योरम में एक चीज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि हो सकता है तो मैं ना रहता हो कि मेरे को बहुत रहता था, पर कि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसे मतलब मैं कन्फ्यूज़ रहता था कि इसमें कोफिशियंट लिखना है या उनने टर्म पूछा है कि कौन सी नंबर की टर्म होगी। तो ये चीज़ मैं मेंस में भी गलत करके आया था, इसलिए मैंने नोट्स में अच्छे से मैंशन की थी कि इसमें कोफिशियंट लिखना होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्म लिखना होता है। तो यही है यार कि तुम्हें ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जिसमें तुम ज़्यादातर अटकते हो, जैसे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स में तुम वो सब फॉर्मूलेज इंक्लूड करते हो या फिर वो सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर देते हो जो तुम भूल जाते हो ज़्यादातर, या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही है यार कि इसमें भी तुम्हें वो चीज़ें इंक्लूड करनी है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट नए लगें। तुम कभी किसी और की प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हो, ऐसे जब मैंने राजावंश सर की वीडियो देखी थी जो फिजिक्स वाला सर पर पढ़ाते हैं, उनकी कोई सीरीज चल रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सॉल्व करने के नए नए तरीके बताए थे, तो मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे। तो मैंने एक जगह क्या किया था, वो चैप्टर की हेडिंग डाली और वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लिए, और जब भी मैं रिवाइज़ करता था तो वो भी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती थी, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो तुम बाकी ये सब देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिखी थी, और सच में यार काफ़ी हेल्प मिली थी इससे। मतलब मैथ्स में तो हेल्प मिली, केमिस्ट्री का मैं कहूँगा केमिस्ट्री में मुझे और ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने बहुत ज़्यादा बड़े वो बना दिए थे, वो अभी कॉपी मिली नहीं, तो नहीं तो मैं वो भी ज़रूर दिखाता। केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था कि हर एक छोटी छोटी चीज़, मतलब जो होती है ना, जो तो मैं रटनी पड़ती है, वो सब चीज़ें मैंने एक जगह लिख दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं रहे, नहीं तो मैं वो भी दिखाता। बाकी तुम देख सकते हो कैसे कैसे मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में है ना मेरे को वो दिक्कत आती थी पहले कि फैमिली ऑफ लाइंस का कब यूज़ करना है, तो मैंने देखो यहाँ पे अपनी भाषा में लिख लिया, अगर क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस एंड ट्राई टू कन्वर्ट गिवन लाइन इनटू इक्वेशन दिस, तो अपनी लैंग्वेज में तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई जिससे तुम्हें बाद में समझ में आ जाए। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे लिख रखी थी, अभी तो मैंने आधे मतलब 5-6 पेज इंक्लूड किए हैं, बाकी मैंने और भी बनाए थे, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो एक अलग से तुम कॉपी वॉपी मेंटेन कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है ये, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तुम लोग एक बार ट्राई मार के देखना, कभी भी तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, तुम PYQ सॉल्व करने बैठे हो, तुम यूट्यूब पे किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर देख रहे हो, एक कॉपी बना के उसे साइड में रख लो, जब भी तुम्हें कुछ नया कॉन्सेप्ट लगे कि नया कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, नई कुछ ऐसा तरीका मालूम पड़े कि हाँ यार ये तरीका बहुत सही है, इससे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, उसे तभी के तभी उसमें कॉन्सेप्ट वाली उसमें डायरी में लिख दो अपनी। तो यही था यार इस वीडियो के लिए, अगर तुम्हें ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।